हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास पे। आज हम लोग देखने आ रहे हैं बीकॉम पार्ट टू कॉर्पोरेट अकाउंट। आपका चैप्टर है रिडीमिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने आपको कराए हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए। 1 मैंने नहीं कराया है, क्यों नहीं कराया है? क्योंकि 1 में जो है आपको पहले थोड़ा 2, 3, 4 ये सब जो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे ना, 7 तक जो क्वेश्चन है मैं वो करवा दूंगा। देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या होता है प्रेफरेंस शेयर, क्या होता है प्रीमियम, हाउ टू पास जनरल एंट्री ऑफ रिडीमिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपको ये पता चल जाएगा। देन आफ्टर यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि सीआरआर की एंट्री बोलता है। तो यू एट दैट टाइम यू डोंट नो व्हाट इज सीआरआर, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन है 1 और 2 देखा, तो 2 और 3 देखा तो सिंपल था कि भाई हमें उतना सीआर में डीपली नहीं गए, उसमें वही था कि रिडीमिशन हुआ है भैया, रिडीमिशन हुआ है। और देन आफ्टर इक्विटी इशू कर दिया एट अ डिस्काउंट और एट अ प्रीमियम। देन आफ्टर वी सॉल्व इट, मैंने आपको सॉल्व करवा के बता दिया। बट नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। कोई बच्चा ये नहीं बोले कि भाई क्वेश्चन 1 नहीं कराया, तो क्वेश्चन 1 जस्ट लाइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो उससे पहले जो है जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो समझ आएगा, तो क्वेश्चन 1 कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 4, तो इसको जब कराता हूँ ना मैं, जब भी आपको बताऊँ मैं प्रीफ्रेंस शेयर का जब रिडीमिशन होता है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, मतलब कि रट्टा मार लो भाई। क्या ये देखिए स्क्रीन पे, प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस पी, मतलब प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस पी मतलब प्रीमियम इक्वल टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर। दिस यू हैव टू लर्न इट, आपको लर्न करना होगा। ये एंट्री जो है ना, ये फिगर कर सकते हैं, ये बनाना है कि फिर प्रीफ्रेंस शेयर से ऐसे करके निकलेगा और इक्विटी शेयर और सी आर आर, प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल का पैसा को 2 जगह बांटने का, इक्विटी शेयर एंड सी आर आर, और प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल लिखो। पहले जब क्वेश्चन देखो ना, तो पहले ये बना लेना नीचे क्या कि प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर, और प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल ऐसे 2 भाग में बांटना और लिखना इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर न्यू इशू होता है, समझ गए ना, ये न्यू इशू करते हैं, और सीआरआर का पैसा जो है ट्रांसफ़र कर रहे, क्योंकि भाई प्रीफ्रेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, तो रिडीम जब करेंगे तो हो सकता है उससे हम रिडीम करके न्यू शेयर इशू कर दें। कुछ क्या करते हैं, हम सीआरआर में जमा कर देते हैं कल को, समझ लो ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इट। और एक बार समझ लो, इसका जो यूज होता है ना बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर। कंपनी जो है इसका यूज क्यों करती है, बोनस से इशू करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया, प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ये लिख लो, लिख लिए, ठीक है। नाउ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। इसी जैसे कि मैंने नीचे बनाया है, इससे से आपको फिगर आउट कर लेना है प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम प्लस प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर, फिर इससे इक्विटी शेयर सी आर आर, इतना बना लो। फिर हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, ऊपर ऊपर जैसे पढ़ेंगे तो हम बैठाते जाएंगे मान, समझ गए ना, कहाँ क्या बैठेगा हम देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आओ तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। सेलेस लिमिटेड है जो कि इशू करता है 50,000 रिडीमर प्रीफ्रेंस शेयर डिवाइडेड टू 10 इंच, ओके। तो 50,000 × 10 दिस इज प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल, समझ में आया कि 50,000 शेयर था, 10 रुपया हिसाब से तो कितना हो गया, 5 लाख रुपीज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा 8 पर शेयर, अच्छा ठीक है, 8 पर शेयर पेड हुआ, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिडीम दिस शेयर द कंपनी इशू 30,000 × 10 इंच, ठीक है भाई, मंजे क्या 30,010 इंच, ठीक है, न्यू शेयर इशू कर रहा है, मतलब वही मैंने बताया, नीचे दो करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करते हैं और सी आर आर अकाउंट करते हैं, तो वही इक्विटी शेयर जो था ना, वही इक्विटी शेयर है, ठीक है। अच्छा 2 रुपया प्रीमियम पे, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ द कैश प्रोसेस रिडीम प्रीफ्रेंस शेयर पेड एंड बैलेंस मीट आउट रिजर्व, वाओ रिजर्व मंजे कि भैया रिजर्व में बहुत पैसा अपने पास 2.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो रिजर्व से ही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो हम लाएंगे वहाँ पैसा जमा करेंगे, तो कहाँ से लेंगे, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट या फिर रिजर्व फंड, तो उसमें पैसा होना तो चाहिए, पीएल अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड मंडे जनरल रिजर्व, ठीक है। तो पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व में पैसा होगा, तो देन आफ्टर वी विल सीआर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, किससे क्रिएट करेंगे, पीएल अकाउंट से या फिर जनरल रिजर्व से, जैसा बोलेगा। तो पैसा है अपने पास, तो अपन सीआरआर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बोलता है जनरल एंट्री बनाने। आई होप क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन साहब बोलता है कंपनी जो है रिडीम करना चाहती है शेयर, ठीक है, कंपनी रिडीम करना चाहती है, देन आफ्टर हम बोलेंगे भैया कि कंपनी इक्विटी शेयर भी इशू कर रही है और देन आफ्टर सीआरआर में पैसा दे रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ रिडीमशन हो रहा है, कहीं प्रीमियम के बारे में बोला, इक्विटी शेयर इशू कर रहा है प्रीमियम पे, लेकिन रिडीमशन प्रीमियम पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ना अपन इस पर फोकस करेंगे, इसको इधर आओ। हाँ अब देखो,
प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम इक्विटी शेयर का प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। देन आफ्टर अपन क्या करेंगे, 10। आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 बोल रहा है, यहाँ पर 8 बोल रहा है, तो आपको 8×50 से करना। नहीं, ये 8 बोल रहा है, मांगा कितना 10 दिया, तो 2 जो बच गया ना वो 2 अपन मांगेंगे, 2 मांगेंगे फाइनल कुल का पैसा। तो उसका जनरल एंट्री करेंगे, मतलब अपन 10 मांग रहे हैं पूरा पैसा ला, तो 10 से अपन बनाएंगे, यहाँ पर आए हम और 50×10 500,000 लिख दिए। प्रीमियम कुछ था नहीं था, तो प्रीमियम क्या होगा, 0। तो टोटल कितना आ गया, 500,000। इतना समझ आया, ये एंट्री समझ आई? यस सर। तो ये एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके 2 निकाले, इक्विटी से इशू किया 30,000×10, ऊपर देखा 30,000 से 10 रुपया के हिसाब से, तो इक्विटी से कितना होगा, 300,000। समझ में आया? तो सर बचा कितना, यहाँ कितना बचा सर, 500,000 प्रीफ्रेंस कैपिटल था, 300,000 इक्विटी इशू के बचा 200,000, तो 200,000 यहाँ। अब आप बोलोगे सर 200,000 कहाँ से लाएंगे, तो ये 200,000 जो आएगा या तो जनरल ईयर या प्रीमियम, समझ में आया, जनरल ईयर से 200,000 सर, जनरल ईयर 2.5 लाख पढ़ा है तो 200,000 दे देते ना, जनरल रिजर्व में 2.5 लाख पड़ा, अगर कम पड़ा रहता तो कम देते, फिर उसी हिसाब से देखना पड़ता, ऐसे कम पड़ा रहेगा नहीं, पहले जनरल रिजर्व से लेंगे फिर पीएल से लेंगे, ठीक है। तो 2.5 लाख पड़ा था, 2 लाख सीआरआर में डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नौ बात आती है जनरल एंट्री की, ठीक है, जनरल एंट्री अपन समझेंगे। तो जनरल एंट्री में जैसा जानते हो कि भाई 2 रुपया मांगना है, क्योंकि 8 पे रिक्यू है, तो शेयर फाइनल कुल अकाउंट डी टू प्रीफ्रेंस कैपिटल, ये तो एंट्री आपको आती है ना, 50,000×2 1,00,000 कोई बैंक अकाउंट ईयर टू प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल, यहाँ तो फाइनल प्रीफ्रेंस शेयर फाइनल कुल मांग लिए। नाउ अब जनरल एंट्री में आपको बताना सिखाऊंगा, अब रिडीमिशन की बात आएगी भैया। 2 एंट्री सिंपल थे, इशू ऑफ शेयर में अपन पढ़ के आए हैं, दोनों मांग लिए। ये देखो इसका क्या बनता है, ये बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसी पे पूरा खेल टिका है। जनरल एंट्री क्या बनेगा, प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीयर प्रीमियम अकाउंट डीयर टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर, रट्टा मार लो, कुछ है नहीं, नहीं प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीयर प्रीमियम अकाउंट डीयर टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर, यहाँ प्रीमियम था नहीं तो हम बनाएंगे प्रीफ्रेंस शेयर अकाउंट डीयर टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर, कितना रुपया, 500,000, 500,000 देख लो, नहीं विश्वास है तो, प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीयर टू प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर 500,000, 500,000 कोई दिक्कत। अब प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बारे, तो प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर अकाउंट डीयर टू बैंक 500,000, 500,000 क्लियर कर दिए, एकदम क्लियर कट कर दिए। समझ में आया, इसकी 2 एंट्री होती है, एक एंट्री कि भैया रिडीम कर रहे हैं, इतना से रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम के साथ, फिर उसके बाद प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को पैसा दे देने का, तो प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर डी टू बी टू बैंक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन इक्विटी से इशू हो रहा है, ऊपर अपन पढ़ के आए हैं क्या, इक्विटी से इशू करते 2 रुपया प्रीमियम पे, तो इक्विटी से जब इशू होता है तो अपने आप पैसा आएगा कंपनी के पास, पैसा आएगा कंपनी बनाएगा क्या, बैंक अकाउंट डीयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि भाई कंपनी के लिए प्रीमियम आ रहा है ना, तो प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट कर देगी। तो 30,000 था, 30,000 था ना शेयर, कितना, 30,000, तो बैंक अकाउंट डीयर इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो 30,000×10 10 रुपया फेस वैल्यू, 30,000×2 रुपया प्रीमियम पे था। देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, आपको विश्वास नहीं है तो मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना, 2 रुपया प्रीमियम है ना, 30,000 से, ठीक है, समझ में आया। ये अगर बच्चे समझ नहीं आ रहा है तो याद कर लो कि भैया इक्विटी शेयर का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डीयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, ये सब बना क्या है हुआ? अरे भैया जब हम इशू करते हैं ना स्वीट इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर जब हम इशू करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपनी का पैसा आएगा, तो आएगा तो डीयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, सिक्योरिटी भी हमेशा क्रेडिट होता है, तो एंट्री कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अपन ने इसका 2 एंट्री मार लिया, अपन ने इसका एंट्री मार लिया, नाउ बचा सीआरआर, तो सीआरआर कहाँ से, सीआरआर पीएल अकाउंट डीयर टू से, सर ऐसा क्यों, देखो होता क्या, सीआरआर जो है ना कंपनी की लायबिलिटी है, क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ, सीआरआर इज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी बिकॉज कंपनी हैज़ टू पे बोनस शेयर, एंड बोनस शेयर कंपनी कहाँ से पे करेगी, मैंने आपको बता, थ्योरी पढ़ोगे ना, बुक में थ्योरी दिया है, पढ़ो अच्छे से पता चलेगा सीआरआर क्या होता है। सीआरआर का जो है वो एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है, रिजर्व किया जाता है, उसका जो यूज होता है बोनस शेयर इशू करने के लिए होता है, कंपनी बोनस शेयर इशू करने के लिए रिजर्व बनाती है, ठीक है। तो वो रिजर्व जो है कंपनी की लायबिलिटी है, कल को बोनस शेयर इशू करना है किसको, अपने जो शेयर होल्डर है उनको बोनस देगी ना कंपनी, बोनस देती है, तो भाई जब बोनस देगी तो सीआरआर का पैसा लेगी, तो सीआरआर लायबिलिटी हो गया, तो सीआरआर लायबिलिटी हो गया तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। नाउ आप जानते हो कि आपके पीएल अकाउंट और
जस्ट लाइक जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए तो लाइबिलिटी सेम लिखते हो पीएल को। तो नौ जब पैसा जमा करोगे और तो उस कहाँ से लाओगे इतना पैसा, सीआरएल में पैसा जमा करने के लिए कहाँ से लाओगे, तो पीएल अकाउंट, तो पीएल डेबिट हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व, यहाँ तो जनरल रिजर्व में पैसा है तो जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो, क्यों भाई, जनरल रिजर्व से तो ऑब्वियसली घट जाएगा पैसा, वी हैव टू एडजस्ट इट टू जनरल रिजर्व से पैसा घटा के सीआरएल में डाल देंगे, ठीक है। तो सीआरएल में डाल देंगे तो सीआरएल में दो लाख समझ में आया, 2 लाख कहाँ से आया, 5 लाख था। अब मैंने पहले बताया ना, प्रीफ्रेंस शेयर से ही दो बट्टा है, तो एक तो इक्विटी शेयर, बोलेगा नहीं बोलता तो सीधा सीधी 5 लाख, पर था तो 2.5 लाख ही ना, तो बोला कि 3 लाख का इक्विटी शेयर इशू करो, तो 2 लाख बाकी हमें ये दिमाग से निकाला। ये नहीं बोलना 2 लाख क्वेश्चन में दिया कहाँ, ये कल को कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि 2 लाख क्वेश्चन में दिया कहाँ, अरे 2.5 लाख है, 2.5 लाख पीएल में पड़ा है अपने पास, जनरल में पड़ा है, तो अपन उससे 2 लाख ले लिए ना बैलेंस फिगर से, तो ये जो निकला ये बैलेंसिंग फिगर है भाई। आई होप आपको जनरली समझ में आ गई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों तक बताओ भाई, वह कॉमर्स क्लास है और बिहार का चैनल है, सपोर्ट करूँगा। LMNU क्या है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कोई परेशानी हो तो कमेंट बोलना, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन, नोट्स मिलेगा ना इंपॉर्टेंट, आपके पास जो थ्योरी है, आपके जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट उसका नोट्स मिलेगा, आपका सब्सिडरी है जो भी, ठीक है, चलिए।